ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन एक पहल है परम आनंद आयुर्वेदा की, जिसके माध्यम से हम आपको गंभीर घातक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान आप तक पहुंचा पाते हैं। हमारा प्रयोजन आयुर्वेद को अपनाना सरल और आसान बनाना है, जिसके अंतर्गत ही ये पहल है ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हम यहाँ पर वही उपचार और वही समाधान बताते हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं और जिसे हमारे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा खरा पाया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कितनी कोशिशें करते हैं, शायद इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एक हफ्ते में आप अपनी दवाइयों पर कितना खर्चा करते हैं। क्या आपने वो खर्चा कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों पे करने के लिए सोचा है? दरअसल वास्तविक आयुर्वेद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप एक निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आयुर्वेद में कहा भी तो गया है, आयुर्वेद लप्ते स्वास्थ्य दीर्घ आयुषम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वाध साधनम। अर्थात आयुर्वेद से स्वास्थ्य, लंबी आयु, सुख और बल की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से ही अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नमस्कार, मैं रितिका आचार्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परम आनंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे बबूला रिष्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको इसके फायदे बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस दवा को या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को हमारे यानी परम आनंद आयुर्वेद के द्वारा मंगा सकते हैं। बबूला रिष्ट एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है जिसके इस्तेमाल से अस्थमा, डायरिया, स्किन डिजीजेस और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को दूर किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आप कफ एंड कोल्ड, हार्ट बर्न और यूरिनरी डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर सकते हैं। इस औषधि के इतने प्रभावशाली होने का कारण है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इंग्रेडिएंट्स यानी कि तत्व। तो आइए कुछ बातें इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। बबूला रिष्ट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में से हैं एंटी इंफ्लामेटरी, स्पैस्मोडिक, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अगर इसके तत्वों की बात करें तो इसमें कुल 13 जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं, जिसमें से कुछ है गुड़, पीपली और छोटी इलायची। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके डोजेस यानी कि सेवन के बारे में। आपको इसका सेवन 15 से 24 ml पानी की बराबर मात्रा के साथ एक दिन में दो बार करना है। आप इसका सेवन खाना खाने के बाद ही करें। अब हम बात करते हैं इस औषधि को खरीदने की। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप इस औषधि को या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को हमारे यानी परम आनंद आयुर्वेद से खरीद सकते हैं। आपको उसके लिए सर्च करना होगा www.paramanandayurveda.com। उस पे जाएं और जिस भी आयुर्वेदिक औषधि की आपको आवश्यकता है उसे ऑर्डर करें। ऑर्डर की हुई औषधि मात्र 3 से 4 दिनों में आप तक पहुंचा दी जाएगी। यदि आप चाहें तो हमें फोन या SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करना होगा 999-000-4674। इस नंबर पे कॉल करके अपनी औषधि का नाम बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। परम आनंद आयुर्वेद से औषधियाँ मंगवाने के लिए आपको औषधि के मूल्य के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। परम आनंद आयुर्वेद आपको देता है सुविधा फ्री होम डिलीवरी की और ऐसा करने वाली हम इस देश की एकमात्र कंपनी है। इन सभी सेवाओं के साथ साथ हम आपको देते हैं डिस्काउंट भी। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को परम आनंद आयुर्वेद से मंगाते हैं तो उन सभी दवाइयों पे हम आपको देंगे 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी। अगर आप कोई भी ऐसी औषधि ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी साइट पे आपको नहीं मिल रही तो अब आप उस औषधि को भी हमसे मंगा सकते हैं। आप बस हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, वहां आपको VIP ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के द्वारा ही आपकी डिमांड की गई औषधि हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको अगली बार फिर से आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारियां दे पाऊं। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि और उसके बहुत सारे लाभ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार,
मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान न पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परम आनंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।